मित्रों, कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और उनके वित्त मंत्री श्री अमित मित्रा के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और आज हमारी बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से हुई है और उनके सेहत की जानकारी लेने के लिए मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि कल उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके कारण उनके घुटने में और कई स्थानों पर चोट लगी है और वह एम्स में भर्ती थी। आज वह वापस जा रही हैं, उनका इलाज भी पूरा नहीं हो पाया है। और उन्होंने कहा कि अब दिल्ली हम सभी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए भी बहुत असुरक्षित है। जो कुछ भी ममता जी के साथ हुआ है और साथ ही अमित मित्रा के साथ हुआ है उसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अथवा कोई संस्था किसी मुद्दे पर यदि अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है तो उसका विरोध दर्ज कराने का एक अपना तरीका है, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर अथवा किसी के ऊपर हमला करके यदि कोई विरोध दर्ज करता है, अपना कराने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि शासन को उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है ममता जी के साथ और अमित मित्रा जी के साथ वह बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में, यहाँ पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए ममता जी ने यह कहा कि अब मुख्यमंत्रियों के लिए भी दिल्ली सुरक्षित नहीं रह गई है। दिल्ली में दिनों दिन अराजक स्थिति पैदा होती जा रही है। जब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं मांग करता हूँ कि इस मामले की ठीक तरीके से जाँच होनी चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पानी का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि यह जल संकट आगे और अधिक गहरा होने वाला है। इसका जहाँ पर किसानों के लिए महत्व है, वहीं पर पानी का महत्व हर भारतीय के लिए है। यह जल प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसकी ओर सरकार की एक सुविचारित नीति होनी चाहिए, यानी एक वेल कंसीडर्ड पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कांग्रेस बार बार, अध्यक्ष जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, कांग्रेस बार बार गुजरात दंगों की बात करते हैं, लेकिन जो सिख दंगे थे उससे रिलेटेड जगदीश टाइटलर को लेकर जो क्लोजर रिपोर्ट थी सीबीआई की, उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। बस आज जितना मुझे कहना था उतने के लिए ही आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।